दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हादसा है। हमारे पन्ना के भाई बहन जो चार धाम की यात्रा पर गए थे, उनकी एक बस गिर गई और जिसमें दुखद मृत्युआं हुई है। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की। पुष्कर धामी जी ने पूरे तंत्र को वहां सक्रिय किया है। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सब वहां लोगों को निकालने में लगी हुई है। जो भाई बहन घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीफ सेक्रेटरी भी हमारे लगातार सक्रिय है, वहां सीएस से बात की है। एक टीम दिल्ली से हमारी तत्काल उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है, जो राहत, इलाज, बचाव और वहां से जो भाई बहन नहीं रहे उनको लाने की व्यवस्था करेगी। हमारी प्राथमिकता है कि जो घायल है उनका उपचार ठीक हो जाए, उनके उपचार में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भाई बहन नहीं रहे उनको ससम्मान परिवार से चर्चा करके हम वापस लाने का इंतजाम करेंगे। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के साथ साथ 50,000 रुपया घायलों के परिजनों को दिए जाएंगे। सारी व्यवस्था बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब ऐसा हादसा हो तो मैं भोपाल में चैन से सो नहीं सकता। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं स्वयं अभी रात को देहरादून रवाना हो रहा हूं। मेरे साथ मंत्री विजेंद्र सिंह भी जाएंगे जो यहां उपलब्ध हैं, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और मेरे जो योगेश चौधरी ओएसडी है, सारी उच्च स्तरीय टीम अफसरों की यहां से मेरे साथ जा रही है। मैं स्वयं भी और ये टीम भी यथासंभव जो व्यवस्था हो सकती है राहत पहुंचाने के लिए, उस व्यवस्था में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जिन परिवारों के भाई और बहन चले गए हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो धैर्य रखें। मैं स्वयं जा रहा हूं, जो नहीं रहे उनको ससम्मान वापस हम घर लेके आएंगे और उनके साथ घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं परिवारों से कि जो चले गए उनको मैं नहीं ला सकता, लेकिन बाकी हर संभव व्यवस्था करूंगा।